तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जय दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा को लेकर बीजेपी को लगा दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर को दिल्ली हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मुसलमानों के खिलाफ दिए थे विवादित बयान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रूस यूक्रेन युद्ध से डरी मोदी सरकार, इंटरनेशनल एक्सरसाइज में भारत नहीं भेजेगा फाइटर प्लेन तेजस। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुख्तार के भतीजे ने मंदिर में की बजरंग बली की पूजा, वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं मुख्तार के बेटे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब बैन को चुनौती देने वाली तीन मुस्लिम छात्राओं को कॉलेज ने प्रैक्टिकल एग्जाम से रोका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रूस ने दुनिया के 36 देशों के लिए बंद किए अपने एयर स्पेस, इन यूरोपीय देशों की फ्लाइट पर लगाया बैन, भारत पाकिस्तान बचे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ठोका उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनने का दावा, कहा सपा के पक्ष में पहले चरण से ही चली हवा और सरकार बन रही है। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली हिंसा को लेकर हाईकोर्ट से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करने के मामले में हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर को भेजा नोटिस। जय दोस्तों, आपको बता दी बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की नागरिकता संशोधन कानून को लेकर 2020 में हुए दिल्ली में दंगे के मामले को लेकर बीजेपी को आज दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करने के मामले में बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर को नोटिस भेजा है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर सहित कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित अनेक नेताओं के नफरती भाषणों के लिए उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए दायर याचिका पर सोमवार को उन्हें नोटिस जारी किए हैं। इन पर आरोप लगाया है कि इन नेताओं के नफरती भाषणों की वजह से ही फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दंगे हुए थे। याचिकाओं में इन नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने और इनके खिलाफ जांच शुरू करने के लिए पक्षकार बनाने का भी अनुरोध किया गया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में 2020 में हुए दंगों से जुड़ी अनेक याचिकाओं पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अनूप कुमार की पीठ ने इन सभी प्रस्तावित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए जाने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की है। वहीं आपको बता दें बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि भाजपा के कई नेताओं ने विवादित बयान खुलकर दिल्ली में दिए थे मुसलमानों के खिलाफ। अब इसी मामले को लेकर राहुल गांधी को भी बीजेपी ने लपेट लिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रूस यूक्रेन युद्ध से डरी मोदी सरकार, इंटरनेशनल एक्सरसाइज में भारत नहीं भेजेगा फाइटर प्लेन तेजस। जब दोस्तों आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन में चल रहा युद्ध से मोदी सरकार भारत में बुरी तरह से डर गई है और इसका डर साफ तौर से अब देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच भारतीय वायुसेना UK में इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए अपने विमानों को तैनात नहीं करेगा। IAF को अभ्यास के लिए 5 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस लड़ाकू विमान जो है UAE भेजने थे। एक्सरसाइज में UK, बेल्जियम, सऊदी अरब, स्वीडन और US की वायुसेना शामिल होंगी, लेकिन हाल की घटनाओं को देखते हुए मोदी सरकार ने इस मामले से अपने कदम पीछे हटा लिए। पहले सारे ही फाइटर प्लेन UK जाते और यहाँ पर युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेते, लेकिन जैसे ही यूक्रेन और रूस के बीच ये मामला छिड़ा उसके बाद मोदी सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया और इंटरनेशनल एक्सरसाइज में अपने फाइटर प्लेन नहीं भेजने का मोदी सरकार ने फैसला लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार बुरी तरह से यूक्रेन और रूस के युद्ध से डर गई। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुख्तार अंसारी के भतीजे ने मंदिर में की बजरंग बली की पूजा, वोट के लिए कुछ भी करेगा। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जारी विधानसभा चुनाव में वोट के लिए प्रत्याशी क्या क्या नहीं करने पर आमदा है। समाजवादी पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट को आज बजरंग बली की पूजा करते हुए देखा गया है। गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे सहेब अंसारी उर्फ मन्नू अंसारी ने हनुमान मंदिर में पूजा की और बजरंग बली को माला भी पहनाया, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। चुनाव प्रचार के दौरान मंदिर में पूजा करते सुहेब अंसारी की फोटो खूब वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि वोट मांगने के दौरान अपने समर्थकों संग सुहेब अंसारी मंदिर पहुंचे और वहां बजरंग बली की मूर्ति पर माला चढ़ाई थी। बता दें कि सुहेब अंसारी उर्फ मन्नू अंसारी मुख्तार अंसारी के भतीजे हैं, जो मोहम्मदाबाद सीट से सपा के प्रत्याशी भी हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब बैन को चुनौती देने वाली तीन छात्राओं को प्रैक्टिकल एग्जाम से रोका। जय दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक में पनपे हिजाब विवाद को हाईकोर्ट में चुनौती देने वाली तीन मुस्लिम छात्राओं को प्रैक्टिकल एग्जाम देने से रोकने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक उडुपी जिले में
सरकारी गर्ल्स पीयू कॉलेज की 3 छात्राओं को सोमवार को प्रैक्टिकल परीक्षा में शामिल होने के लिए कथित तौर पर प्रवेश से वंचित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली 6 छात्राओं में से 3 12वीं कक्षा में साइंस स्ट्रीम पढ़ रही है। द इंडियन एक्सप्रेस वे की रिपोर्ट के मुताबिक जिन छात्राओं को प्रैक्टिकल एग्जाम में प्रवेश से वंचित किया गया है, उनमें से एक ने कहा कि मैं अपनी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक जमा करने और फिजिक्स की प्रैक्टिकल परीक्षा में हिस्सा लेने कॉलेज गई थी, लेकिन लेक्चरर ने मुझे कहा कि वह मेरी बुक को तभी स्वीकार करेंगी जब मैं अपना हिजाब हटा दूंगी। फिर उन्होंने मुझे प्रिंसिपल के चैम्बर में भेज दिया, जहां उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की मुझे धमकी दी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से मुस्लिम छात्राओं को प्रताड़ित कर्नाटक में अब भी किया जा रहा है, जबकि हाईकोर्ट ने हिजाब पर बैन लगाने से इनकार किया। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार पर बोला हमला, कहा हर आपदा में अवसर नहीं खोजना चाहिए मोदी को। जय दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है। वरुण गांधी ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार पर समय से फैसला न लेने का आरोप लगाया है। सोमवार को वरुण गांधी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा कि हर आपदा में अवसर नहीं खोजना चाहिए, युद्धग्रस्त देश में अब फंसे अपने लोग को वापस लाना उन पर कोई उपकार नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। वरुण गांधी ने सोशल मीडिया पर यूक्रेन में फंसी एक छात्रा का वीडियो भी शेयर किया है। इस वीडियो में छात्रा भारत सरकार पर तमाम आरोप लगाती नजर आ रही है। वीडियो के मुताबिक छात्रा कहती है कि संकट के समय दुनिया के तमाम देश यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन भारत सरकार अपने लोगों की कोई मदद नहीं कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा हमला वरुण गांधी ने बोला है। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अखिलेश यादव ने किया दावा, कहा सपा के पक्ष में पहले ही चरण से चल रही है उत्तर प्रदेश में हवा, बनेगी हमारी सरकार। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी पर लोगों को धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा है कि पहले ही चरण के मतदान से समाजवादी पार्टी के पक्ष में हवा चली और सपा की सरकार बन रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को अम्बेडकर नगर जिले के जलालपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि अम्बेडकर नगर जिले की 5 विधानसभा सीटों पर सपा को जीत मिलने जा रही है और आजमगढ़ जिले की भी सभी सीटें सपा ही जीतेगी। उन्होंने कहा कि जनता 10 मार्च को तैयार रहे और 10 मार्च को बदलाव होगा और बीजेपी का सूपड़ा साफ होगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रूस ने दुनिया के 36 देशों के लिए बंद किया अपना एयर स्पेस, इन यूरोपियन देशों की फ्लाइट बैन। जय दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद से ही लगातार आर्थिक और कूटनीतिक प्रतिबंधों का सामना कर रहे रूस ने 36 देशों के लिए अपने एयर स्पेस को बंद आज कर दिया है। रूस ने जिन देशों पर यह प्रतिबंध लगाया है उसमें अधिकतर यूरोपियन देश शामिल हैं। आपको बता दें कि इससे पहले यूरोपीय देशों ने रूस के लिए अपने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया था, बदले में रूस ने भी अब उन देशों के लिए अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। रूस ने जिन देशों के लिए यह प्रतिबंध लगाया है उसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, बुल्गेरिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, फिनलैंड, ग्रीस, हंगरी, जर्सी, लताविया, माल्टा, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्वीडन और ब्रिटेन का नाम प्रमुख है। वहीं आपको बता दें कि भारत, पाकिस्तान और चीन को जो है रूस ने छोड़ दिया है। इसी बीच बटो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच जल्द खत्म होगा कोयला विवाद, राहुल गांधी ने अशोक गहलोत और भूपेश बघेल से की मुलाकात। जब दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच कोयला विवाद जल्द खत्म हो सकता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ बैठक के बाद दोनों राज्य सरकारों के बीच कोयला ब्लॉक आवंटन को लेकर चल रहे विवाद के पटापेक्ष की उम्मीद जगी है। पुरानी पेंशन और राज्य चुनाव पर भी चर्चा है। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में राहुल गांधी ने राजस्थान की तरह छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन योजना के बारे में चर्चा की है। राजस्थान सरकार हाल ही में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा की थी। सूत्रों ने यह भी बताया है कि राहुल गांधी ने जो है इन दोनों के बीच जो कोयला विवाद चला था राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच, उसको भी सुलझाने का दावा किया है और दोनों ही के बीच ये विवाद जल्द खत्म हो सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में अब बीजेपी 4 मार्च को शराब नीति के खिलाफ करेगी प्रदर्शन। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की अवकार नीति पर सवाल उठाने वाली भाजपा अब लोगों से भी इस मामले में राय हासिल करने के लिए विशेष अभियान दिल्ली में चलाएगी। इसके लिए 4 मार्च को लगभग 1120 स्थान पर करीब 10 लाख लोगों के बीच जनमत संग्रह कराया जाएगा।
संभव है कि करीब सप्ताह भर तक सवालों पर सुझाव आने के बाद भाजपा द्वारा आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। भाजपा नेताओं ने कहा है कि महिलाओं को मजबूत करने की बात करने वाली केजरीवाल सरकार पिंक के ठेका खोलकर उन्हें शराब पिला रही है, शराब खरीद पर अलग छूट दे रही है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी ने जो है इसका विरोध किया है और बीजेपी ने अब केजरीवाल के खिलाफ भी मोर्चा दिल्ली में खोल दिया है और बीजेपी अब जो है 4 मार्च को नीतीश जो है केजरीवाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे, अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अकलमंद है जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक